जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर स्टे देने से इनकार किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब रिजर्वेशन खत्म हो गया है। सीएम बोले कि अब पूरी लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों पर अब संकट गहरा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिन विद्या सिदार की विशेष अनुमति याचिका पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। उच्च न्यायालय ने काफी विचार के बाद दो अधिनियमों को अलग आपात किया है और इसके लिए इस पर पर्याप्त सुनवाई होने तक सरकार को विधि सम्मत कार्यवाही करनी ही होगी। इसके बाद मामले में एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस भेजा है। अधिवक्ता जॉर्ज थॉमस के जरिए ये लीगल नोटिस मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव को भेजा गया है। इसमें साफ किया गया है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर के फैसले से फिलहाल नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और दूसरे विभागों को तत्काल बताना होगा कि राज्य सरकार की ओर से कोई नया अधिनियम, अध्यादेश अथवा सर्कुलर जारी होने तक लोक सेवाओं में तथा शैक्षिक संस्थाओं में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर एक सप्ताह के भीतर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वो न्यायालय की अवमानना का केस दायर करेंगे। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हो गई है। 10 सालों में लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मानसून देरी से वापस लौटा। चक्रवाती तूफान की वजह से दिवाली पर बादल छाए रहने की संभावना अभी भी बन रही है। देश के उत्तर पश्चिम इलाकों से लौटता हुआ मानसून छत्तीसगढ़ से भी विदा हो गया। बात करें दोपहर बाद मानसूनी सिस्टम ने प्रदेश की दक्षिणी सीमा को पार कर लिया। इसी के साथ बरसात का मौसम खत्म होने की वजह से आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। पिछले 10 सालों में यह लगातार तीसरी बार है जब मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद हुई हो। इसके बाद भी दिवाली पर बरसात की संभावना एकदम से खत्म नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सितरंग की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई पूरे प्रदेश से हो गई है। प्रदेश में 17 जून को मानसून आया था और इस मान से इस साल बरसात की अवधि 131 दिन रही। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आ रही है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बने रहने की संभावना है। आगे से प्रदेश का मौसम सूखा रहने की ही संभावना बन रही है। इस बीच उत्तर अंडमान सागर, दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना है। इसकी वजह से बात करें तो ये जो है इसके उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए प्रबल होकर अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है, जिसकी वजह से संभावना ये है कि हल्की मध्यम बरसात हो सकती है आने वाले दिनों में। छत्तीसगढ़ व्यापनम ने अब SI भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है और ये हुआ है आरक्षण पूर्व हुए फैसले के साइड इफेक्ट की वजह से। स्टेनोग्राफर की कौशल परीक्षा भी अब टाल दी गई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के खिलाफ उच्च न्यायालय के फैसले पर अब साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया है। बात करें भर्ती परीक्षाओं को अब टाला जाने लगा है। अब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि CG व्यापम ने पुलिस उप निरीक्षक यानी कि SI भर्ती परीक्षा को टाल दिया है। इसी के साथ तीन सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर भर्ती की चल रही कौशल परीक्षा है, इसको भी स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के विभिन्न पदों के लिए व्यापम ने सितंबर महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसकी लिखित परीक्षा 6 नवंबर को होनी थी और शाम को अचानक व्यापम ने बताया कि इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की आगामी तिथि की जानकारी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बाद में साझा करी जाएगी और इस पर जो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है व्यापम के द्वारा, वो इस आप अभी देख रहे हैं। साथ ही एक और सूचना जारी कर व्यापम ने तीन सरकारी विभागों में स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती की कौशल परीक्षा को भी स्थगित किए जाने की जानकारी दी।
नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को लेकर खबर। इन दो थीम पर मनाया जाएगा राज्योत्सव, जिसमें 9 देश के 1500 से भी अधिक कलाकार शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगा और यह कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 1500 से भी अधिक कलाकार भाग लेंगे। बात करें तो यहां पर जानकारी हो कि आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार भी हिस्सा लेंगे। साथ ही बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसके लिए न्योता भेजा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महोत्सव के लिए 2 थीम आयोजित करी जाएगी, जिसमें पहली फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य हैं और दूसरे थीम की बात करें तो ये आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज को लेकर है। मॉनसून वापसी के बाद अब प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। अचानक तापमान में गिरावट आई है और अभी पारा और भी गिरेगा। दरअसल प्रदेश में मॉनसून की विदाई हो चुकी है। इस बार मॉनसून में पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हुई और ही अब मॉनसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में उत्तर दिशा से ठंडी व शुष्क हवाओं का आना शुरू हो चुका है। प्रदेश में गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। बता दें कि दिवाली से 2 दिन पहले ही प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। देर रात अचानक तापमान में गिरावट दर्ज करी गई, वहीं अब आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका भी है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट भी दर्ज करी जाएगी, साथ ही दिन की बजाय रात में ठंड बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से लेकर जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा है। अब खिलाड़ी खुद लिख करके देंगे कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। चौधरी का कहना है कि ये तो अब हद हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर अब एक नया विवाद गहराता नजर आ रहा है। पूरे मामले में अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों इन खेल आयोजनों में एक सप्ताह में ही 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। अब खिलाड़ियों से एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि यदि आयोजन में उन्हें कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसके अलावा बात करें तो अब इस मामले में पूर्व IAS और भाजपा नेता OP चौधरी ने बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण अब तक 2 खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। अब खिलाड़ी से शपथ पत्र भरवाकर उन्हें अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही बताया जा रहा है। बिना किसी सुविधा और बिना किसी सुरक्षा कारणों के, सुरक्षा साधनों के कराए जा रहे खेलों के दौरान इस तरह के शपथ पत्र जमा करवाना तो अब अमानवीयता की हद को पार करने जैसा है। ओपी चौधरी ने घरघोड़ा में युवा खिलाड़ी ठंडाराम मालवार की मौत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि युवक की जिंदगी का खेल कबड्डी खेलते खेलते इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि वे गंभीर हालत में रायगढ़ ले जाने में एम्बुलेंस को 4.5 घंटे का समय लग गया। भिलाई में भी रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंची। 250 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पहले चरण के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। इसमें देश के 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसमें दुर्ग जिले के 250 युवा भी शामिल है। इन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भिलाई पहुंची है। बात करें तो देश के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की केंद्रीय योजना का पहला रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर बीते दिन किया गया। इसके तहत महात्मा गांधी कला मंदिर एवं बात करें तो सेंटर भिलाई में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया था। केशकाल घाटी में ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से 10 घंटे से भी अधिक से जाम लग गया है। रायपुर जगदलपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रोक के बाद भी यहां पर ट्रक चलाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में केशकाल घाट में देर रात एक लकड़ियों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके कारण घाट पूरी तरीके से जाम हो गया है। देर रात से वाहनों की लंबी कतारें लगी रही हैं। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि रात से ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लकड़ियों को सड़क से हटाया गया है और वाहनों को निकलने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इक्का दुक्का वाहनों का निकलना शुरू हो चुका है। यहां कुल मिलाकर 10 घंटे से जाम लगा रहा और लोग परेशान हलाकान नजर आ रहे थे। दरअसल केशकाल घाटी में 2 दिन के अंदर ये लगातार दूसरी घटना है जब इस तरह का जाम लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही इस मार्ग से ट्रेनों की
ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई थी और इसकी वजह से सड़क का मरम्मत का काम करना था, लेकिन बावजूद इसके भी ट्रकों की आवाजाही बरकरार थी और ये घटना एक बार फिर हो गई। फेस्टिव सीजन में अब यात्रियों की भीड़ बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से 30 गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोचेस लगेंगे। लोगों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से रेलवे ने ये फैसला लिया है। फेस्टिव सीजन में यात्री ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ चल रही है और ऐसे में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। त्यौहार मनाने पर घर लौटने वाले यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 30 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को राहत की उम्मीद मिलती नजर आ रही है। नवरात्रि पर्व और दशहरा से ही ट्रेनों की डिमांड बढ़ गई है। आमतौर पर सामान्य दिनों में यात्रियों को बर्थ के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन पिछले एक माह से रिजर्वेशन टिकट के लिए मारामारी चल रही है। नवरात्र और दशहरा पर्व पर रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे बाजार, जमकर की खरीदारी, स्थानीय दुकानदारों से खरीदे मिट्टी के दिए, साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और मिठाइयां, साथ ही साथ पटाखे भी खरीदे गए। धनतेरस की शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खरीदारी करने राजधानी के सबसे पुराने बाजार पहुंच गए। गोल बाजार पहुंचकर उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीदी। ग्वालिन की मूर्ति भी खरीदारी करी गई। वहां से गुजराती मिष्ठान भंडार से मिठाइयां भी खरीदी गई। इसके बाद वे लाखे नगर स्थित हिंद स्पोर्टिंग मैदान पहुंच गए, जहां से उन्होंने पटाखे की खरीदारी भी करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज हैबर और दूसरे नेताओं के साथ बाजार करने पहुंचे। गोल बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने लौंग इलायची से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने मिट्टी के बर्तनों, प्रतिमाओं आदि की खरीदारी भी की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिवाली पूजन की सामग्रियों का भी खरीदारी किया। महिला भाजपाइयों ने विधायक निवास का घेराव कर दिया। सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाकर आंदोलन किया गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ नवीन जिले के अस्तित्व में आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। कहीं भाजपाई कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सरकार के लगभग 15 साल के बाद भी सारंगढ़ विधानसभा के हित में कार्य नहीं किया गया, जिससे जनता ने भाजपाइयों को पिछले चुनाव में आईना दिखा दिया। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा ने सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े के निवास का घेराव किया। उल्लेखनीय है कि भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस सरकार चुनाव के समय वादा किया था उसे अमल में नहीं ला रही है। शराबबंदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों की कर्ज माफी, महिला समूहों से रेडी टू ईट निर्माण को बंद कराया गया, इससे महिलाओं के रोजगार को बेघर कर दिया गया, साथ ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा भी फेल हो रहा है। ऐसे कई वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए और इसी को लेकर के यहां पर भाजपाइयों ने जो है विधायक निवास का घेराव कर दिया है और इन्हीं मांगों को पूरा करने की मांग लगातार करी जा रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।